कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की कड़क से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकी जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्विनियोस्टर। एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेथस इंद्रियों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिल जीतते एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले की कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर स्तर उन्हें पृथ्वी के एक तिहाई हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे बैंक्सिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी, भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरसों का ही शासन था जो शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। जो आकार का था
प्राचीन सरस्वती समाप्त होने लगेंगे और उनके जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं मान के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो किरहने की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रिचियोसॉरस की लंबाई 23 मीटर थी जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी और इनका वजन 75 टन था। सरसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। ब्रिचियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरसृप यूनिमोरफोडॉन हवा में उड़ते थे। इसी दिन प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरास का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रिटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेश प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। डायनासोर के बीच पर नौका के पास की तरह एक अंग हुआ करता है जिससे वो अपने शरीर के साथ नियंत्रित करता था। एवं ओपी राक्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के 3 धावकों की तरह दौड़ सकते थे। और कॉर्निथोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरानोट उड़ने एवं फिसलने में आए थे। सुनने में विचित्र लगे पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स और एंकिलोसॉरस शानदार लोरेस और अंगवारा दो अखंड महादेश एवं समुद्री गर्भ के कठोर रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। परंतु नदियां सूखने लगी एवं जंगल कम होने लगे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था।
इनके हमले से जिसके फलस्वरूप उत्पन्न फूल के विशाल में हजारों वर्षों तक सूर्य के जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गैंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के घोलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्मडिलो भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप वे भी ओझल होते गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल का स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। आपको इस सफर में मजा आया होगा जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हो। दूसरे भूगोल पर हिंदू निरीक्षण पैरामा में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसी हॉल के पहले फ्लोर पर अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए दोबारा आपको जरूर आए साइंस सिटी में।